now we will start our next topic, cycloalkenes. Cycloalkenes are the compounds which are cyclic in nature and they are saturated compounds. They have general formula CnH2n. ये जो हमारे पास compounds हैं, इनका molecular formula या isomer हम कहें, तो वो alkene compounds हैं. Alkene का हमारे पास जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है. साइक्लोएल्केन का हमारे पास ये हो गया. एंड एल्केन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, CnH2n प्लस 2 होता है. अब हमारे जो साइक्लोएल्केन है वो एल्कीन के साथ आइसोमर, दैट इज रिंग चेन आइसोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करें. सपोज मेरे पास कोई साइक्लोएल्केन जनरल फॉर्मूला C4H8 हो गया. मेरे पास साइक्लोएल्केन की स्ट्रक्चर 4 कार्बन हो गए. हर कार्बन पे 2-2 हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं. एल्कीन मेरे पास C4H8 वाली मीन्स ब्यूटीन हो गई. CH2 डबल बॉन्ड CH3 और 2 ब्यूटीन हम कह सकते हैं. तो जो मेरे साइक्लोएल्केन कंपाउंड है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो एल्केन जैसी है. सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, लेस रिएक्टिव होते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे एंगल, स्ट्रेन, रिंग साइज, उनके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी होती है. बट अगर मेरे पास कोई नॉन प्लेनर रिंग है जहाँ पे कार्बन का टेट्राहेड्रल एंगल है साइक्लोएल्केन में, वो मेरी साइक्लोएल्केन रिएक्टिव लेस होती हैं. बट अगर मेरे पास कार्बन का एंगल अदर देन टेट्राहेड्रल है वो मेरे पास अनस्टेबल होती है, इमीडिएट रिएक्ट करती है. मीन्स साइक्लोएल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एल्कीन जैसा है बट जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी एल्केन कंपाउंड जैसी है. तो जो साइक्लोएल्केन है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और उनकी जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी एल्केन से हमारी मैच करती है. देन उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड. नोमेनक्लेचर में हमारे पास इन कंपाउंड्स का कॉमन नेम अगर हम देखें या IUPAC नेम देखें, कॉमन नेम में हमारे पास जनरली जितनी कार्बन प्रेजेंट है ये CH2 ग्रुप को हम मिथाइलीन बोलते हैं. अगर साइक्लोप्रोपेन है तो मेरे पास 3 कार्बन वाला हो गया ना, ट्राई 3 कार्बन मिथाइल मीन्स 3 CH2 ग्रुप है. IUPAC नेम जर्नल मेरे पास होता है साइक्लो एल्केन. जितने कार्बन है उस अकॉर्डिंग मेरे पास एल्केन पार्ट आ जाएगा, दैट इज साइक्लो प्रोपेन आ गया. यहाँ पे ऐसे 4 कार्बन है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टेट्रा मिथाइलिन, यहाँ पे साइक्लो ब्यूटेन आ जाएगा. ऐसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ऑनवर्ड्स हम करते रहेंगे. तो ये मेरे पास जनरल सिंपल से मॉलिक्यूल है, उनका हमारे पास IUPAC नेम हो गया. बट अगर मेरे पास साइक्लोएल्केन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट को एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ये पेरेंट चेन, दैट मीन्स मेरे पास मिथाइल साइक्लो हेक्सेन आ जाएगा. इसका नहीं एक ग्रुप लगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोकेन की पोजीशन मेंशन करें. सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, अब मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इथाइल ई, इसको 1 नंबर दे दूंगी कार्बन, इसको 2, तो इस कंपाउंड का मेरे पास क्या नेम हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन. अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स में सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हो उनके पास कार्बन कम है एज कम्पेयर टू साइक्लिक रिंग, तो जो मेरी सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल ग्रुप्स को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं और जो मेरी ये रिंग है उसको मैं पेरेंट चेन कंसीडर करती हूँ. बट अगर मेरे किसी मॉलिक्यूल में चेन का साइज बड़ा है दैट इज CH3, CH2, CH2, CH3 और यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन की चेन लगी हुई है.
अभी मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, मीन्स जो मेरे पास ओपन है उसमें 5 कार्बन है, क्लोज में 4 कार्बन है, तो मेरी इस रिंग को सबस्ट्रिंग ट्रीट करा जाता है, इस पेरेंट मॉलिक्यूल को पेरेंट, इस लीनियर चेन को पेरेंट मॉलिक्यूल। तो इस कंपाउंड में मेरे पास नेम क्या हो जाएगा, अगर मैं नंबरिंग देखूँ, सेकेंड पोजिशन पर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप लगे, 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। अगर मेरे पास सबस्ट्रिंग ग्रुप का साइज स्मॉल है, लीनियर चेन का साइज स्मॉल है, तो पेरेंट चेन मेरी साइक्लिक होगी, बट अगर मेरे पास साइक्लिक रिंग का साइज स्मॉल है तो मेरी लीनियर चेन पेरेंट होगी और इस ग्रुप को मैं सबस्ट्रिंग ट्रीट करूंगी। अगर मेरे पास पेरेंट जो सबस्ट्रिंग जो अल्काइल चेन है, लीनियर चेन है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे उसका साइज बड़ा है चाहे छोटा है, वो हमेशा मेन चेन ट्रीट करी जाएगी। अगर मेरी साइक्लिक रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे उसका साइज बड़ा है चाहे छोटा है, उसको हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। हम दोनों केस में एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, अब मेरे पास जो लीनियर चेन है 3 कार्बन के, ये 4 कार्बन के, बट मेरे पास इस केस में, सॉरी यहाँ पे एच वैलेंसी अगर हम देखें, इस केस में मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो मेरे पास ये वाली रिंग सबस्ट्रिंग और ये मेरी मेन चेन आ जाएगी। अब मेरे पास इस केस में नंबरिंग कैसे होगी, 1, 2, 3, 1 पे ब्यूटाइल ग्रुप लगाए, 1 साइक्लो ब्यूटाइल प्रॉप 1-1 आ जाएगा इस कंपाउंड का नाम। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, अगर मैं इसकी नंबरिंग देखूं, यहां से ऐसे 4 बन रहा है, ऐसे मेरे पास सेकंड हो गया। मेरे पास लीनियर चेन 4 कार्बन के, साइक्लिक रिंग मेरे पास 6 कार्बन के, बट मेरा फंक्शनल ग्रुप लीनियर में प्रेजेंट है, तो मेरे पास ये लीनियर चेन पेरेंट मॉलिक्यूल होगा, ये सबस्ट्रिंग होगा। उसके बाद नंबरिंग, इस केस में 2 के अकॉर्डिंग मेरे पास लोएस्ट लोकेंट रूल आता है, तो मेरे पास इस कंपाउंड की नंबरिंग 1, 2, 3 इस ऑर्डर में होगी। इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 1 साइक्लो हेक्साइड ब्यूट 3-2-1। तो मेरे पास इधर साइक्लिक रिंग में और लीनियर चेन में जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे उसका साइज स्मॉल है चाहे बड़ा है, हमेशा पेरेंट चेन वही होगी जहां पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। देन उसके बाद अगर मेरे पास दोनों में ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, साइक्लिक कंपाउंड में भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एंड लीनियर चेन में भी कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास CH2 कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब इन दोनों में हमारे पास हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू OH, तो जिसमें मेरे पास जिस फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है वहाँ जहाँ प्रेजेंट है उसको हम पेरेंट चेन ले लेते हैं, दूसरे को हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। तो इस केस में हमारे पास नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिल से शुरू होती है, मेरे पास 3rd पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल, और उसकी भी अगर मैं नंबरिंग देखूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड आ जाएगा, 3 पे मेरे पास साइक्लोब्यूटाइल, और उसमें भी मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, उसमें मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड का क्या नेम आ जाएगा, 3-2 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 3 जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन का लगे, फिर उसमें बाद इस रिंग का नेम हो जाएगा, उसका नेम क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो ब्यूटाइल। देन उसके बाद ये कंपाउंड का नेम
drop in one oic acid. तो इस तरह मेरे पास इन कंपाउंड्स का नेम आ जाएगा. देन उसके बाद हमारे पास साइक्लिक रिंग है और इस पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल जिसकी कार्बन है, मतलब कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप की. तो इस केस में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का नेम है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कार्बोल्डिहाइड होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. तो इस कंपाउंड का नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड. ऐसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, फोर मेंबर रिंग है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगेन साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. देन उसके बाद हमारे पास है, अगर हमारे पास मोर देन वन साइक्लो रिंग लगी हुई है पेरेंट लीनियर चेन से, तो उस केस में हमारे पास, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, टू कार्बन से और दोनों पे मेरे पास रिंग लगी हुई है, तो इस केस में रिंग को मैं सब्स्टिट्यूएंट लेती हूँ और लीनियर चेन को पेरेंट कंपाउंड लेती हूँ. तो मेरे पास यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, 1,2-dicyclohexyl-ethane. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमारे पास रिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिंग में भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पड़ा है और ओपन चेन में भी फंक्शनल ग्रुप पड़ा है. दोनों अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे, जिस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेफरेंस देते हैं, जो वहाँ जहाँ पे भी वो लगा हुआ है उसको हम पेरेंट चेन ले लेंगे, दूसरे को हम सब्स्टिट्यूट ले लेंगे. बट अगर मेरे पास दोनों जगह सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सपोज OH, यहाँ पे भी मेरे पास CH2CH OH CH2CH3. अब मेरे पास इस केस में जिनका कार्बन का नंबर ज़्यादा है उसको मैं पेरेंट चेन ले लूँगी, दूसरे को मैं सब्स्टिट्यूट ले लूँगी. तो अब इस केस में ये कंपाउंड का हमारे पास क्या नेम हो जाएगा, टू टू पे आगे मेरे पास ये मेरी मेन चेन हो गई, ये मेरा सब्स्टिट्यूट हो गया. सेकंड पोजीशन पे मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है 2-hydroxy टू हाइड्रोक्सिन देन ब्यूटेन कंपाउंड है मेरे पास. टू हाइड्रोक्सिल ब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन पे वो अटैच्ड है, टू हाइड्रोक्सिल ब्यूटाइल है फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, ब्यूटेन ब्यूटाइल ग्रुप है तो ब्यूट वन आइल हो जाएगा मेरे पास इसका नेम. देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये ग्रुप का हमारे पास नेम हो गया, देन साइक्लो हेक्सेन, 6 कार्बन है, किस पोजीशन में मेरे पास OH ग्रुप लगे, 1. तो मेरे पास इस तरह इन कंपाउंड्स की नेमिंग हो जाती है. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहला मेथड है इन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने का, साइक्लो एडिशन रिएक्शन. साइक्लो एडिशन नेम से क्लियर है, हम एडिशन का रिएक्शंस कर रहे हैं. एडिशन रिएक्शन करने है, दैट मींस मेरे पास डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल, दो एल्कीन मॉलिक्यूल, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट साइक्लाइज करते हैं, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई. मेरे पास अगर मैं मैकेनिज्म देखूं, ये वाला बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, दैट इज
ये बॉन्ड तो है ही मेरे पास, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाना शुरू हो गया। सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाना शुरू हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन मॉलिक्यूल। जब मेरी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट होती है तो मेरे पास अगर सिस वाली, सपोज मेरे पास मिक्स्ड मॉलिक्यूल है, सिस एल्कीन है मेरे पास, ब्यूटीन मॉलिक्यूल है और साथ में मेरे पास इथाइलीन मॉलिक्यूल है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक तो मेरे पास है कि सेम साइड एडिशन हो जाए, दूसरा है मेरे पास ओपोजिट साइड एडिशन हो जाए, तो मेरे पास वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सेम साइड एडिशन हो रहा है तो मेरे पास CH3 ऐसे आ जाएंगे, हम ऐसे डार्क लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से मेरे पास। प्लस अगर ओपोजिट साइड एडिशन होता है, एक मेरा अबव हो जाएगा एक मेरा बिलो हो जाएगा हाइड्रोजन्स के ओपोजिट, तो इस तरह मेरे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास एडिशन रिएक्शन में है एडिशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन मॉलिक्यूल हमारे इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं, ये हमारी डाइवेलेंट स्पीशीज होती है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम ऑर्बिटल में पड़ा है, सिंगलेट कार्बिन होते हैं, सेम ऑर्बिटल में पड़ा है इलेक्ट्रॉन पेयर, वन ऑर्बिटल हम कह सकते हैं, और अलग अलग में पड़ा है तो हमारे पास ट्रिपलेट कार्बिन होती है। सिंगलेट कार्बिन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे हम sp3, ये हम ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब मेरे पास कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल में कार्बिन ऐड होंगे, मेरे पास साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड बन जाएंगे। अब अगर मेरे पास सिंगलेट कार्बिन है, सपोज मेरे पास यहाँ पे सिस कंपाउंड है और मेरी सिंगलेट कार्बिन है, उस केस में मेरा सिस के केस में सिस एडिशन होएगी, और अगर मेरे पास ट्रांस है तो मेरे पास ट्रांस प्रोडक्ट आ जाएगा। मींस मेरी जो सिंगलेट कार्बिन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन रिएक्शन देती है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। जो मेरे रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की भी वही रहती है, बट जब मेरे पास ट्रिपलेट कार्बिन होते हैं उसके लिए मेरे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। जब मेरे पास कार्बिन ट्रिपलेट, इस केस में मेरे पास जो रिएक्शन है उस केस में रोटेशन अराउंड दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, दैट मीन्स ये रिएक्शन मेरी थ्रू रेडिकल इंटरमीडिएट होती है। मीन्स मेरे पास पहले यहाँ पे सिस है ना, एक जगह पे मेरे पास कार्बिन ऐड हो गई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में अगर सिमिलर साइड वो हो जाए तो मेरे पास सिस प्रोडक्ट ही बन जाएगा ना साइक्लो, बट अगर मेरी रोटेशन हो जाए कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू तो उस केस में मेरे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। तो सिंगलेट कार्बिन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है, सेम
सिस वाला एल्कीन मॉलिक्यूल सिस प्रोडक्ट देते हैं, ट्रांस वाला ट्रांस देते हैं, और जब ट्रिपलेट कार्बिन आते हैं तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सीमंस स्मिथ रिएक्शन। इस केस में मेरे पास आइडो मिथाइलीन कंपाउंड होता है। पहले तो मिथाइल आयोडाइड और मिथाइलीन आयोडाइड में क्या फर्क है? मिथाइल आयोडाइड मिथाइल ग्रुप है, मिथाइलीन CH2 मीन्स दो आयोडीन लगे होते हैं। जो मेरा मिथाइलीन आयोडाइड है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड देता है। ये ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड एल्कीन के साथ ऐड होता है। ये वाले बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बनाते, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाते, ये ग्रुप लीव कर जाते, तो मेरे पास CH2 यहाँ बॉन्ड प्लस ZnI2 निकल जाता है। तो इस तरह सीमंस स्मिथ रिएक्शन से मिथाइलीन आयोडाइड के पहले जिंक के साथ रिएक्शन करके और उस रिएजेंट ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड के एल्कीन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड आ जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक बड़ी ही फेमस रिएक्शन है डील्स एल्डर रिएक्शन। इस केस में मेरे पास 4+2 साइक्लोडिशन होती है। 4+2 मीन्स एक मॉलिक्यूल के पास 4 pi इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 2 pi इलेक्ट्रॉन। 4 pi इलेक्ट्रॉन मीन्स मेरे पास डाइन स्पीशी होगी, 2 pi इलेक्ट्रॉन उसको हम डाइनोफाइल बोलते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इस केस में मेरे पास ब्यूट 1,3 डाइन कंपाउंड हो गया, दैट इज डाइन कंपाउंड एंड इथाइलीन डाइनोफाइल हो गया। ये रिएक्शन भी हमारे थ्रू ट्रांजिशन स्टेट होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाते हैं डबल, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, विच मीन्स मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड रह गया, इसका इनके साथ एक बॉन्ड बन गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अगेन सिंगल, और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, विच मीन्स मेरे पास साइक्लो हेक्सीन टाइप मोइटी बनती है। ये रिएक्शन एट 475 केल्विन पे होती है। बट अगर मेरे पास डाइनोफाइल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स एंड डाइन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो तो ये रिएक्शन मेरी लो टेम्परेचर कंडीशन पे भी हो जाती है। सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और साथ में उस पर डाइनोफाइल पे कोई विथड्रॉइंग ग्रुप एल्डिहाइड साइनाइड या एनहाइड्राइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केस में मेरी ये रिएक्शन 373 केल्विन पे हो जाएगी और मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे अगर मेरे पास एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल है ये मेरे पास मैलिक एसिड से बना है, मैलिक एनहाइड्राइड, तो इस केस में मेरे पास ये 4 कार्बन हो गई, ये 2 कार्बन मेरी ये वाली हो गई और इस पे मेरे पास एनहाइड्राइड ग्रुप लगा हुआ है, तो अगेन मेरे पास 6 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड बन गया। इस केस में 298 केल्विन से ही मेरे पास रिएक्शन हो रही है। तो जब मेरे पास अगर डील्स-एल्डर रिएक्शन में प्रोडक्ट बाईसाइक्लो कंपाउंड बनते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड में एक कंपाउंड में 2 रिंग्स होते हैं, तो मेरे पास एक्सो एंड एंडो प्रोडक्ट बनता है।
एंडो प्रोडक्ट मेरा डोमिनेटली बनता है अगर वो किसी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसमें है और वो स्टेबलाइज हो जाए थ्रू पाई इंट्रैक्शन। यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सपोज मेरे पास डाइन मॉलिक्यूल साइक्लिक है, साइक्लो पेंट डाइन कंपाउंड है मेरे पास, और इधर मेरे पास एक्रोलिन मॉलिक्यूल है। इस केस में प्रोडक्ट की हमारे क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, हमारे पास डाइन मॉलिक्यूल मींस ये का यहाँ पे बॉन्ड बन गया ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे बनना शुरू हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये सिंगल डबल बॉन्ड से सिंगल बन के यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो इस केस में मेरे पास क्या कंपाउंड बनेगा, ये चार कार्बन मैंने ऐसे दिखा ली, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, देन उसके बाद ये दो कार्बन हमारे पास आ गए और उस पे मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा। ये जो कार्बन है ये दिखा दी मैंने, मेरे पास एक साइक्लिक रिंग ये आ गई और एक ये आ गई, तो बाई साइक्लो कंपाउंड आ गया ना। अब इस केस में मेरे पास एक्सो एंड एंडो प्रोडक्ट आते हैं। एक्सो और एंडो प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, अब मेरे पास अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप इस साइड हो गया, लोअर साइड हो गया, एंड एच मैंने ऐसे दिखा दी, ये मेरे पास एंडो है, एक्सो प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एंडो हो गया और ये मेरे पास एक्सो हो गया। अब इस केस में ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, बट ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्यों मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है, इस केस में जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंट्रैक्शन कर लेते हैं, अगर इंट्रैक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास वो मेजर प्रोडक्ट दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये मेरे पास बाई साइक्लो कंपाउंड आ गया ना, ये कार्बन, ये मेरा बाई साइक्लो का ये वाला फेज आ गया, एंड ये मेरे पास यहाँ पे एक्सो और एंडो लगे हुए हैं। अब मेरे पास अगर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें हम, ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप इस ओरिएंटेशन पे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन कर जाएगा, एल्डिहाइड के सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो ये मेरा एंडो प्रोडक्ट हो गया। एक्सो में मेरा एल्डिहाइड ग्रुप ये है, तो ये पाई इंट्रैक्शन की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है, दैट्स व्हाई मेरे पास एंडो प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाता है और वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो ये मेरे पास डी-ज़ेल्डर रिएक्शन है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम डाई हेलोएल्केन कंपाउंड। हम लोगों ने वर्ट्स रिएक्शन पढ़ी थी, वर्ट्स रिएक्शन में मेरे पास अल्काइल हैलाइड टू मॉलिक्यूल सोडियम के साथ एल्केन कंपाउंड। अब अगर मेरे पास डाई हेलो कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल में दो हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज डाई हेलो एल्केन कंपाउंड है, इस रिएक्शन का नेम है फ्रीम्स रिएक्शन। इस केस में मेरे पास सपोज ये मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब हीट करते हैं ZnBr2 मीन्स हो जाता है और यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, मीन्स साइक्लोप्रोपेन कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह में इंटरमोलिकुलर वर्ड्स रिएक्शन इस रिएक्शन को कह सकते हैं। ऐसे अगर मेरे पास 3 के बजाय 5 या 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल हो, देखिए प्रेजेंस ऑफ जिंक हीट करके, तो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन, बट अगर साइक्लोहेक्सेन से कार्बन ज़्यादा हो जाए 6 से, उस केस में मेरे पास इंट्रा मॉलिकुलर साइक्लाइजेशन के बजाय इंटर मॉलिकुलर रिएक्शन होके मीन्स लॉन्गर चेन बनती रहती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिकमैन साइक्लाइजेशन।
इस केस में मेरे पास कार्बोक्सिलिक एस्टर्स होते, डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर्स। जो मेरे कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि जब हम उसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं, बेस के साथ अगर प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बेन आयन आएगा, दैट इज और ये कार्बेन आयन थ्रू रेजोनेंस स्टेबल हो जाता है, मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी। अब मेरे पास अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बेस के साथ ट्रीट कर दूंगी, देन उसके बाद मेरे पास इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगी। बेस के साथ ट्रीट करा, मेरे पास कार्बेन आयन क्या आ गया, ये कार्बेन आयन मेरा इस कार्बन पे अटैक करेगा, दैट इज इसको भी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर ड्रॉ करूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ और ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वापस डबल बॉन्ड बना और ये ग्रुप मेरा ओ आर निकल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहीं पे दिखा रही हूँ मैं, ओआर ग्रुप तो हमारा लीव कर दिया। तो मेरे पास फाइव मेंबर रिंग आ गई। फाइव मेंबर रिंग की जब हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। देन हीट करेंगे तो मेरे पास डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो मेरे पास CH2 फाइव मेंबर्ड कार्बोनाइल कंपाउंड आ गया। इस मॉलिक्यूल की मैं क्लैम्पसन या वॉल्फिशनर रिडक्शन कर दूंगी, तो मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाता है। कार्बोनाइल ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो गया तो मेरे पास साइक्लोपेंटेन कंपाउंड आ गया। तो इस तरह अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स की डिकमेन साइक्लाइजेशन, कौन से मॉलिक्यूल की डिकमेन साइक्लाइजेशन, डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर की, जितनी कार्बन का मेरा मॉलिक्यूल होता है उससे एक कार्बन कम वाली मेरे पास एल्केन मॉलिक्यूल बन जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है पाइरोलिसिस ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट। यहाँ पे मेरे पास जो कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट है वो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट है, लाइक CH2, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। हमें पता है बेरियम एंड कैल्शियम की टू वैलेंसी है, एक बेरियम के साथ दो कार्बोक्सिलेट यूनिट लगे होते हैं। इन्हें जब हम 500 समथिंग टेम्परेचर, 565 के आसपास हीट करते हैं, तो मेरा बेरियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट जो भी मॉलिक्यूल में लूज हो जाता है, बेरियम कार्बोनेट लूज हुआ BaCO3, विच मीन्स तो मेरे पास पीछे क्या आ जाएगा, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ CH2, साइक्लोपेंटेनोन कंपाउंड आ गया। साइक्लोपेंटेनोन कंपाउंड क्लैम्पसन रिडक्शन के बाद हमें साइक्लोपेंटेन मॉलिक्यूल दे देगा। तो इस तरह पाइरोलिसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट से मैं ये कंपाउंड बना लेती हूँ। अब मेरे पास जो डाइकार्बोक्सिलिक कंपाउंड है,
हीट करने पे क्या प्रोडक्ट देंगे, ये अकॉर्डिंग टू ब्लैंक्स रूल बताते हैं। ब्लैंक्स रूल के अकॉर्डिंग जो मेरे पास 1, 2, 1, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, 1, 2 मीन्स ऑक्सैलिक एसिड एंड 1, 3 मीन्स मेलोनिक एसिड, 1, 2 एंड 1, 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते लूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड लूज हुई तो फॉर्मिक एसिड बन गया, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड लूज हुई तो एसिटिक एसिड बन गया। जो मेरे पास 1, 4 एंड 1, 5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो मेरे पास हीटिंग पे ऑन हीटिंग लूज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल अगर यूज करते हैं मैं 1, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे पास सुक्सीनिक एसिड हो जाता है, 1, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ग्लूटेरिक एसिड हो जाता है। ये वाटर लूज करेगा ऑन हीटिंग, वाटर लूज कर रहा है मीन्स H2O, तो मेरे पास एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल बनता है। इस केस में भी जो मेरे 1, 6 एंड 1, 7 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो लूज करते हैं वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। 1, 6 हमारे पास एडिपिक एसिड होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर लूज करेगा तो मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएंगे। ऐसे 1, 7 के केस में या 5 मेंबर बन रहे 1, 6 के केस में, 1, 7 के केस में 6 मेंबर हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा।